सकरिया के पास पलटी बस, 20 से अधिक यात्री घायल। खोरा धर्मपुर क्षेत्र में महाविद्यालय की मांग। एक्सरे मशीन होते हुए नहीं मिल रही सुविधा। अधिवक्ता संघ पवई ने सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने किया रिकॉर्ड तलब, दिया कारण बताओ नोटिस। वन विभाग अवैध पत्थर खदानों पर कार्रवाई जारी। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक थे सानवी लैंडमार्क होटल मोहन निवास पन्ना। सकरिया के पास पलटी बस, 20 से अधिक यात्री घायल। नेशनल हाईवे 39 पर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी सतना मार्ग पर आज फिर एक बस हादसा हुआ है, जिसमें बस पलटने से करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि सिद्धार्थ ट्रेवल्स की बस पन्ना से सतना की ओर जा रही थी। सकरिया के पहले त्रिफला उद्यान के पास टैंकर को ओवरटेक करते समय अत्यधिक रफ्तार में होने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यात्री बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिसमें 20 यात्रियों को चोटें आईं एवं एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके से बस ड्राइवर एवं कंडक्टर घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यातायात प्रभारी ज्योति दुबे, कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायलों को डायल 100 एवं 108 की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। अभी हाल ही समाप्त हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस ने बसों के हादसों में कमी लाने की दिशा में बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया था। बावजूद इसके लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बस चालक द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बस में सवार यात्री बताते हैं कि बस तेज रफ्तार में थी और किसी वाहन को पीछा करने के लिए बस आगे निकली। इसी बीच खराब सड़क होने के कारण बस चालक बस पर नियंत्रण नहीं बना सका और यह हादसा घटित हुआ। हादसे के बाद ही चालक और परिचालक दोनों घायल यात्रियों को छोड़कर भाग निकले। इस हादसे में जहां चालक की लापरवाही प्रदर्शित होती है, वहीं वर्षों से बदहाल पड़ी सड़क भी बड़ा कारण है, जिसकी मरम्मत कराने के प्रति प्रशासन पूरी तरह उदासीन है और लगातार इस तरह के हादसों में आम लोगों की जान मुश्किलों में फंस रही है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य कराया जाए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। खोरा धर्मपुर क्षेत्र में महाविद्यालय की मांग। जिले के अजगढ़ जनपद के खोरा धर्मपुर क्षेत्र में लंबे समय से चल रही महाविद्यालय स्थापना की मांग की गूंज एक बार फिर गूंजने लगी है। क्षेत्रीय मजदूर किसान अधिकार मंच ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर क्षेत्र में शीघ्र महाविद्यालय की स्थापना की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पन्ना जिला प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से है, वहीं जिले की सबसे पिछड़ी तहसीलों में अजगढ़ तहसील का नाम आता है, जिसके अंतर्गत आने वाले ग्राम धर्मपुर एवं पूरा जो जिले के बड़े ग्रामों में गिने जाते हैं। आसपास लगभग सैकड़ों गाँव यहाँ से लगे हुए। यह क्षेत्र जंगल एवं पहाड़ी सहित उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, पूरी तरह से खेती पर आधारित है। यहाँ के किसान काफी कम भूमि और भूमिहीन कृषकों की श्रेणी में आते हैं, जहाँ महाविद्यालय न होने के कारण लगभग एक सैकड़ा गांवों के हजारों छात्र छात्राओं को 12वीं के आगे पढ़ाई के लिए मजबूरी बस पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। इसलिए यहाँ महाविद्यालय खोलने की मांग की जाती है। एक्सरे मशीन होते हुए नहीं मिल रही सुविधा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में जिले के किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब अजयगढ़ में एक्सरे मशीन की सुविधा उपलब्ध थी। ऑपरेटर के बिना वर्षों से एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है। दिसंबर 2016 में एक्सरे मशीन के ऑपरेटर के रिटायर होने के बाद ये धूल खा रही है। इसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के राकेश गर्ग ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम जेएस बघेल को एक ज्ञापन देकर मांग की गई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीन चालू हालत में रखी हुई है, परंतु कोई
ऑपरेटर न होने के कारण गरीब जनता किसानों एक्सरे करवाने के लिए पन्ना जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक व समय अधिक लगता है। आम जनता परेशानियों का सामना करती है, जबकि ये सुविधा अजयगढ़ में उपलब्ध है। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्षों से बंद पड़ी मशीन को स्थायी या अस्थायी ऑपरेटर नियुक्त करके लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए। अधिवक्ता संघ बवई ने ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम आज अपर जिला न्यायाधीश सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी को अधिवक्ता संघ बवई द्वारा 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि देश के सभी अधिवक्ता संघों को भवन सहित वकीलों को बैठने की पूर्ण सुविधा, नए अधिवक्ताओं को 5 साल तक प्रतिमाह 10,000 रूपए दिया जाए, हरियाणा सरकार की तर्ज पर अधिवक्ताओं को सस्ते रेट पर आवासीय जमीन उपलब्ध कराई जाए, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था न्यायालय परिसर में हो, किसी भी प्रकार के अधिवक्ता की मृत्यु पर परिजनों को वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करे, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत वकीलों को भी दायित्व सौंपे जाए, रिटायर्ड जजों की तरह अधिवक्ताओं को भी ट्रिब्यूनल कमीशन फोरम में सदस्य बहाल करे, तथा केंद्रीय बजट में अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु 5,000 करोड़ रूपए का अलग से प्रावधान किया जाए। एसडीएम ने किया रिकॉर्ड तलब, दिया कारण बताओ नोटिस। मंगलवार को बवई में जन सुनवाई शिविर में बस स्टैंड परिसर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर जन भागीदारी समिति से निर्मित दुकानों के आरसीसी छत निर्माण कार्य में मेसर्स बिल्डवेज कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारों द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता दुकानदार ने जन सुनवाई में एसडीएम बवई के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र सौंप कर आरसीसी छत के छत में किए गए गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच कराते हुए डिस्ट्रीमेंटल कार्यवाही एवं कार्य रोके जाने की मांग की, जिस पर एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर द्वारा नगर परिषद बवई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य का रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाने का नोटिस जारी करते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जिसमें नायब तहसीलदार आस्था चढ़ार, एसडीओपी आरईएस श्रीमती गुप्ता एवं हल्का पटवारी पवई को शामिल किया गया है। ज्ञात हो कि नगर परिषद पवई द्वारा छत निर्माण में गुणवत्ता विहीन कार्य को देखते हुए नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बावजूद ठेकेदारों द्वारा आरसीसी छत का निर्माण कर दिया गया है। वन विभाग अवैध पत्थर खदानों पर कार्रवाई जारी। दक्षिण वन मंडल पन्ना के पवई वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहरवाल ने मंगलवार को दलबल के साथ जाकर वन परिक्षेत्र पवई के बीट झांझर एवं छिगड़ा में दलबल के साथ जाकर वन क्षेत्र में लगे राजस्व क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अवैध फर्सी पत्थर खदानों में लगभग 4 से 5 हजार फर्सी एवं कासा नाला में रखे लगभग 2 ट्रक दासा पत्थरों को मौके से नष्ट करने की कार्रवाई की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी पवई ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई वन परिक्षेत्र पवई के अंतर्गत अन्य बीटों के समीप संचालित राजस्व क्षेत्रों में अवैध फर्सी पत्थर खदानों में भविष्य में की जाएगी। तहसील अमानगंज के लेपक के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश। कलेक्टर मनोज खत्री ने तहसील कार्यालय अमानगंज में लिपिक द्वारा वित्तीय अनियमितता करना पाए जाने पर सुखदेव सिंह दुबे साहब के 2 के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार अमानगंज को दिए। साथ ही उन्होंने वित्तीय अनियमितता की राशि तत्काल वसूल कर जमा कराने तथा FIR के उपरांत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव 3 दिन के अंदर कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस सहायक पेंशन अधिकारी द्वारा तहसील अमानगंज के वित्तीय वर्ष 2018-19 में आरण के परीक्षण की जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुखदेव सिंह दुबे सहायक ग्रेड 2 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। उनके द्वारा अपने जवाब में वित्तीय अनियमितता किए जाना स्वीकार किए जाने का उल्लेख किया गया है। जनपद पंचायत गुनौर की नया गांव ग्राम पंचायत में पानी की टंकी चालू होने के इंतजार में ग्रामवासी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में नल जल योजना की शुरुआत की थी, जिससे प्रत्येक ग्रामीणों को पीने के लिए पानी मिल सके, जिसके लिए प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनवाकर पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाती है। जैसे तैसे लगभग 6 से 7 वर्षों में पानी की टंकी तो बन गई, लेकिन जब उस टंकी को चालू करने के लिए ठेकेदार न मिले और सिर्फ लाखों रुपए की योजना से बनी पानी की टंकी 100 पीस बनकर रह गई।
जहाँ से पाइपलाइन यहाँ पंचायत तक बिछी है वो भी जर्जर स्थिति में है, 7-8 में बिछवाई गई और टंकी में पानी नहीं भर। पिछली बार उसने मतलब कंप्लीट करके पोत पात के और कहेगा हमारा ठेका पूरा हो गया, अब आप पाइपलाइन वालों को मिलो। पंचायत को हैंडओवर की गई है अभी? नहीं, वे बोल रहे थे कि यहाँ टेंडर नहीं ले रहे, कोई टेंडर लगो है, ठेकेदार कोई टेंडर ही नहीं ले रहा। शासन के भी यही निर्देश हैं कि जल संकट को देखते हुए नल जल योजना हर गांव और हर कस्बे में पहुंचनी चाहिए और धीरे धीरे यही प्रयास हो रहे हैं कि हर गांव और हर जगह पे नल जल योजनाओं का विस्तार किया जा सके। इसके लिए नया गांव भी प्रस्तावित है और बड़ा गांव होने के कारण उसका कार्य प्रगति पर है और हम लोग पीएचई विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस कार्य को पूर्ण किया कर दिया जाए और शासन के आदेश अनुसार कुछ वर्षों में हर जगह नल जल योजना की ही बात की जा रही है तो नया गांव भी योजना इसलिए प्रस्तावित थी क्योंकि वहां पर संकट आता है। हमारा प्रयास यही है कोई ठेकेदार आ जाए तो हम उस पाइपलाइन को पूर्ण कर लें। कोई कार्रवाई नहीं, पिछले वर्ष कह रहे थे अभी चालू होती है, एक दो बार आए कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत किया, आए दोबारा चालू नहीं हो पाई, वापस चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिरवा चौरसिया। 7-8 में बनी थी, अभी तक पाइपलाइन अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, कोई काम चालू नहीं है, टंकी भी कंप्लीट है लेकिन पानी आना चालू नहीं हुआ है। हमने यहाँ से शिकायत कलेक्ट्रेट में भी किया था पीएचई को, अब वो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, हमारा कॉल भी अटेंड नहीं करते हैं और यहाँ गर्मियों में पानी तो एक भी नहीं आता है नलों में, लोग खेतों से 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। समस्या जटल है, जैसे ही जब तक टंकी नहीं चालू हुई है तो पंप हैंड पंप में बाल्टी 2-2 बाल्टी आता है, लोग परके रहते हैं, मैं 3-4 साल तो हो ही गए। क्या एक बार चालू नहीं हुई है? अभी नहीं हुई चालू। तो कैसे आप लोग पानी का व्यवस्था करते हैं? अब जब चालू सरपंच साहब करवाएं कि विभाग वाले करवाएं तभी होगी।